इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज की मकामी खबरों पर एक नज़र। रियासती वजीर आला की तब्दीली पर कांग्रेस ने जमकर हमला करते हुए कहा कि जब आवाम बुनियादी परेशानियों से जूझ रही है, कोरोना के बाद गरीब मजदूर किसान ताजिर सब परेशान है, पर भाजपा मरकजी हो या रियासती, इन्हें अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है और वजीर आला की कुर्सी की तब्दीलियों में मसरूफ है। इन्हें आवाम की फिक्र नहीं बल्कि कुर्सी कैसे हासिल करे या तो किस तरह से कुर्सी पर बैठे, इसकी फिक्र में भाजपा कायद हमेशा मुलविस रहते हैं। ऐसा तंज कांग्रेस कायद रणदीप सुरजेवाला ने आज हुबली के होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कहा। इस वक्त साबिक वजीर आला और कांग्रेस लीडर सिद्धरामैया ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि उत्तर कर्नाटक में बाढ़ से अवाम बेहाल है और ऐसे वक्त में वजीर आला किसे बनाया जाए कि बहस रियासती हुकूमत में चलना और वजीर आला को तब्दील करना बेहद अफसोसनाक कह सकते हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमने कभी भी बसवराज बोम्मई को रबर स्टैंप का वजीर आला नहीं कहा, पर खुद ही यह कहते हुए हकीकत को वाजा करे, वजीर आला बदला है पर हुकूमत तो वही है, रिश्वतखोरी की है, ऐसा भी सिद्धरामैया ने कहा। दो साल तक भाजपा की भ्रष्टाचार में मुलव्विस हुकूमत रहेगी, लिहाजा आने वाले चुनाव में आवाम हुकूमत तब्दीली चाहती है और कांग्रेस फिर से अवाम की खिदमात करने के लिए चुनाव जीतेगी का भरोसा इस वक्त जताया गया। कांग्रेस रियासती सदर डीके शिवकुमार ने भी बताया कि कर्नाटक भाजपा को अवाम की फिक्र नहीं है, इन्हें कुर्सी की फिक्र, लिहाजा अब अवाम ही इन्हें सबक सिखाएगी, ऐसा भी कहा। कभी कभी बाज वक्त कुछ मामले अंगलट भी आ जाते, लिहाजा कारपोरेशन में कचरा फेंकने की वारदात को अंजाम देने वाले चार अपराधों पर मुकदमा दायर किया गया। मार्केट पुलिस थाने में मुकदमे को दर्ज करते हुए इसमें चार लोगों के नाम शामिल किया गया। कारपोरेशन में कचरा फेंक कर स्टंटबाजी करने की कोशिश का इल्जाम इन पर लगाया जा रहा है। वाजा रहे कि रामतीर्थ नगर में कारपोरेशन की जानिब से कचरा न उठाने पर कुछ लोगों ने कचरे से लदे थैले कारपोरेशन इहाते में फेंक कर एहतजाज दर्ज किया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ। लिहाजा कारपोरेशन के आला अफसरान ने इस पर एतराज करते हुए इन पर मार्केट पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया है। जश्न यौम आजादी इस साल किस तरह मनाया जाएगा, इस पर आज बेलगाम जिला डीसी दफ्तर के हॉल में मीटिंग तलब फरमाई गई थी। इस मीटिंग में तमाम पुलिस अफसर, डीसी बेलगाम और दिगर सरकारी अफसरान भी मौजूद थे, जिन पर कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक जश्न आजादी मनाने के हिदायत दिए गए। वाजा रहे कि इस साल आजादी को 75 साल पूरे हो रहे, लिहाजा बड़े पैमाने पर ना करते हुए बड़ी सादगी के साथ कैसे मनाया जाए, इस पर मीटिंग तलब फरमाई गई थी। इस साल महज कुछ ही दिन बारिश हुई पर बाढ़ से काफी नुकसान होते देखा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुल बेलगाम जिला में 2,970 मकानों के गिरने की खबर हासिल हुई तो 146 मकान पूरी तरह से तबाह हुए हैं। बारिश तो थमी हुई है पर अभी भी बाढ़ का पानी कम नहीं हुआ है। 190 से भी ज्यादा गाँव में अभी भी बाढ़ का पानी कम नहीं हुआ है। कोयना हेडकल अलमट्टी डैम से पानी छोड़ने से नदियां उफान पर हैं। आज भी किस पुल पानी के नीचे है, जिससे सड़कें बंद हो चुकी हैं। मिट्टी के मकानों के गिरने की वारदातें आज भी जारी है, लिहाजा 2 साल पहले मकानों के गिरने का मुआवजा आवाम को अब तक हासिल नहीं हुआ है। आज भी हुकूमत की जानिब से ना मिलने की बात कहते हुए डीसी बेलगाम को मुतालबा पेश किया गया। जल्द पहले के और अब मौजूदा बाढ़ में गिरने वाले मकानात का मुआवजा मुतासिर लोगों को पहुंचाने की बात कही जा रही। आज बेलगाम मिलन होटल में आम आदमी पार्टी की जानिब से आने वाले चुनाव और पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था, जिसमें रियासती ऑब्जर्वर रूमी भाटी ने सहाफियों से मुखातिब होकर जिला पंचायत, तालुका पंचायत और आने वाले कारपोरेशन चुनाव पर मनसूबाबंदी की बात कहते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में तमाम जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला आम आदमी पार्टी ने लिया है। ख्वाहिशमंद हजरात की फहरिस्त भी हासिल हुई, इसमें काबिल उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। तमाम जगहों पर पहली मरतबा आम आदमी पार्टी के निशान पर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा भी ऐलान किया गया। रूमी भाटी ने यह भी कहा कि जिस कदर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की कयादत में एक तरक्की याफ्ता सूबे की मिसाल कायम की जा रही है, खासकर तालीमी सेहत मईशत को बेहतर बनाने में, उसी नहज पर दिगर रियासतों में भी केजरीवाल डेवलपमेंट मॉडल का पेश करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने इस बात को भी कबूल किया कि हम यकीनन देर से पहुंचे हैं पर उम्मीद करते हैं कि आवाम ताउन करेगी। आज तक यहाँ पे मुझे पता चला है कि बेलगाम में किसी पार्टी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडिविजुअल लोग यहाँ पे इलेक्शन फाइट करते हैं, तो ये
पहली बार हम लोग अनाउंस कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अपने बैनर के नीचे, अपने सिंबल के ऊपर अपने कैंडिडेट्स इलेक्शन में उतारेगी सभी बेलगाम सीट्स के ऊपर। दूसरा, यहाँ पे जो अभी तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि आज यहाँ पे बेलगाम में डेवलपमेंट के नाम पे और स्मार्ट सिटी के नाम पे किस तरह से कुछ MLAs मिलके यहाँ पे, पहले तो पावर को सेंट्रलाइज कर लिया इन लोगों ने, जो यहाँ पे कॉरपोरेशन थी उसको जबरदस्ती एक तरह से धक्केशाही के थ्रू इसको बर्खास्त कर दिया। तो पावर जो अभी कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में है, तो हम लोग यहाँ पे पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हो, प्रॉपर हो, उसके लिए भी आगामी रणनीति तय करेंगे कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो हमें किस तरह से यहाँ पे फाइट करनी है लोगों के राइट्स के लिए। आम आदमी पार्टी यहाँ पे भ्रष्टाचार के अगेंस्ट इलेक्शन फाइट करेगी, डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन फाइट करेगी। अभी आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में शिक्षा जगत में क्रांति की है, हेल्थ केयर में क्रांति की है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पे जो हम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, हम वो दिल्ली मॉडल की बात बेलगाम में करेंगे। हमारे वॉलंटियर्स घर घर में दिल्ली मॉडल लेके जाएंगे। ये आम आदमी पार्टी का एजेंडा है आज की मीटिंग का और मेरे यहाँ पे आने का। पूरा यहाँ के इलाके का मुआयना किया है, जितने एरिया में प्रॉब्लम है उसके वीडियो दिए हैं और हमने DC को डिटेल में कंप्लेंट भी दिया और हमने एक मीटिंग भी मांगी है उनसे कि आप PWD इंजीनियरों को लेके आए ताकि उसका हल कर सके। ज़्यादातर पानी जो सिटी लेवल में रोकता है वो सिर्फ पाइप छोटे होने के वजह से, और जहाँ तक अतिक्रमण ऐसे छोटे मोटे में तो हमने किया है, और हम एक ही पार्टी है जिन्होंने जाके पूरा डिटेल में उनको DC को दिया और हमने आगे मीटिंग भी मांगी। रहमान फाउंडेशन बेलगाम की जानिब से महाराष्ट्र में बाढ़ से मुतासिर इलाकों में खिदमात को अंजाम देना शुरू किया। आज बेलगाम से बाढ़ मुतासिर महाराष्ट्र के लिए टीम रवाना हुई है और चिपलूण में कामों को अंजाम देना भी शुरू किया गया। उन्होंने आज जायजा लिया और खिदमात को अंजाम देना शुरू किया है, जिससे मुख्तलिफ शोबों के लोगों ने इनके खिदमात को सराहा। बेलगाम शहर और अतराफ में बढ़ती चोरी की वारदातों से आवाम में डर का माहौल तो देखा जा रहा है। वीरभद्र नगर में जो शहर के मरकजी इलाकों में है, चोरों को बेखौफ होकर कामों को अंजाम देना क्या पुलिस के कामों पर सवालिया निशान तो नहीं खड़ा करता? ऐसा सवाल भी आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है। लिहाजा रफीक वड़गांवकर के घर में चोरी की CCTV फुटेज हासिल हुई है, क्या इसकी बुनियाद पर चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा? ऐसा भी चर्चा आज आवाम में देखा गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।